नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका MPTET यानी जो प्राथमिक शिक्षा का पात्रता परीक्षा आपकी चल रही है वर्ग 3 की, तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं। तो उन सभी समस्या को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एक समस्या और है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी फीस तो पेमेंट हो रही है, लेकिन फीस पेमेंट आपको डन वहाँ पर नहीं दिख रही है, फीस कैंसिल दिख रहा है और आपकी फीस भी रिफंड नहीं हो रही है। तो अब आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ ही आपके यदि फॉर्म में कोई गलतियाँ हो चुकी हैं तो उसको कैसे सुधारना और क्या क्या जानकारी आप सुधार सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि स्टूडेंट जो कैंडिडेट हैं जैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट थे उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, तो जायज़ है क्योंकि ये थोड़ा सा थोड़ा टेढ़ा यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है ESP का। पहले प्रोफाइल पंजीयन बनाओ, फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करो, फिर उसमें टेम्पलेट का एक समस्या है। हालांकि आपको परेशान नहीं होना, एक एक जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंटों के लिए सबसे पहले तो उसके फॉर्म की फीस पे प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी बात आपने फ़ोटो और सिग्नेचर आपने अपडेट नहीं किया, पुरानी वाली फ़ोटो लगा दी है, किसी की फ़ोटो के नाम में मिस्टेक हो चुकी है, किसी ने 10th की मार्कशीट की जगह 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी है, तो ये आपने गलती कर दी है। अब आप स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई फॉर्म फिल करें तो आँख बंद करके किसी की वीडियो को, मैं तो कहता हूँ हमारी वीडियो हो या किसी की वीडियो हो, उस पर आँख बंद करके फिर उसे मत कीजिए। पहले आप उसकी नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए कि उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई। अब नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है, फिर बाद में आपकी गलती हो जाती है, तो पहले उसकी जानकारी को पढ़ लीजिए। जब उसकी जानकारी पढ़ लेंगे, फॉर्म कहीं से भी फिल कराओ, तो अब क्या हो जाता है कि आप उसमें एक जागरूकता आपके आप में आ जाती है और आपको पता चलता है कि उसमें क्या क्या इसमें शर्तें बोली गई हैं और हमको क्या क्या गलती नहीं करनी है। अब जैसे इसकी फॉर्म फिलअप का वीडियो आता है तो सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाती है, लेकिन ये जानकारी आपके लिए कोई नहीं बताता है, सिर्फ वीडियो डालने के लिए ही आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाती है। लेकिन हमारे इस चैनल पर आप देखेंगे तो हम पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं और पूरी जानकारी के कारण वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिस कारण से स्टूडेंट देखते नहीं और स्किप कर जाते हैं, जिस कारण से उनको ही प्रॉब्लम आती है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए आपको पहले हम फॉर्म फिल की समस्या दिखाते हैं, उसमें आपको उस स्थिति में क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसके पोर्टल पर चलना है, तो MPESV इस प्रकार से आप आ जाएंगे, जो आपको पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको आ जाना है। इसके बाद सिंपल से इस पर क्लिक करना है। तो आगे बढ़ने से पहले अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में एक आपको रूल बुक का दिख रहा है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। अभी आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल में टाइम ही दिया, आपने फिल नहीं किया है, तो एक एक जानकारी को पढ़ लीजिए, ज़्यादा पेज नहीं है, 30 से 40 पेज हैं, आप आसानी से उसको पढ़ लीजिए क्योंकि आपका ये जॉब का सवाल है, आपका फ्यूचर का सवाल है। तो इतनी जब आपने तैयारी की है तो इतनी तो आप टाइम निकाल सकते हैं, अब इतना टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर आप समझ लीजिए अब आगे क्या होगा। तो इसको आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अब ऊपर की ओर आना है आपको यहाँ पर, तो जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से समझते जाइए, तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की लिंक तो आपको यहाँ पर दिख रही है, अब कैसे फिल करना है। तो उसका जब से इसकी लिंक एक्टिव हुई थी उसी टाइम हमने वीडियो बना दिया था, तो उसमें देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको सावधानी बताई गई थी, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है, उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो वो इस पोर्टल इस वाली लिंक पर सेकंड वाली लिंक पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। अब वो कौन कौन सी जानकारी आपको सुधारनी वो आगे हम दिखाएंगे। और जिसके फॉर्म फिल हो चुका है ऑलरेडी और एक ये आपका इंटरेस्ट वाला चल रहा है, इसमें से भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बना दिया है, तो उसको भी देख कर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आना, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, भुगतान ना किए गए आवेदक का भुगतान और आवेदन की स्थिति की जांच करें, एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, और एक प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें। तो यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और यदि आपकी फ़ीस पेमेंट नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, जो पहली बार ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन आप उसका एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें से आपका प्रोफाइल जो प्रोफाइल है प्रोफाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो आवेदन क्रमांक है फॉर्म का, वो आप यहाँ से खोज पाएंगे। तो चलिए फिर फीस वाले ऑप्शन पर देख लेते हैं, तो क्या यहाँ पर आपको अब क्या सावधानी रखनी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पेज ओपन हो जाएगा।
तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से अपनी फीस, यदि आपने फीस पेमेंट नहीं की है तो आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने फीस पेमेंट कर दी है, अब वो आपकी फीस पेमेंट सफलतापूर्वक सक्सेस हुई है या नहीं हुई तो वो भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो जो आपका आवेदन क्रमांक है ध्यान दीजिए, जो एप्लीकेशन नंबर जो आपका फॉर्म में प्रोफाइल पंजीयन आपका अलग होता है, और एक आवेदन संख्या आपकी अलग होती है जब फॉर्म को सबमिट कर देती है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, इस कैलेंडर पर आपको टिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर अपने ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर है डेट ऑफ बर्थ का इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करना है, और जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है, और आगे बढ़ाई आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको अपना प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करना है। अब पासवर्ड आप यदि भूल चुके हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम दोबारा से इसकी होम पेज पर आ जाते हैं, आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से पहले एक बार समझ लीजिए, फिर आप इसको आँख बंद करके आसानी से आप कहने का मतलब आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्रोफाइल पंजीयन का पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो आपको उम्मीदवार एक प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आएंगे तो एक आपको यहाँ पर दिख रहा है एक ऑप्शन फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। और एक बात और ध्यान दीजिए, जिसका प्रोफाइल पंजीयन आपका यदि 2 से 3-4 साल पहले आपका बनाया था, और यदि आप भूल चुके हैं तो एक ऑप्शन है आपको यहाँ पर भी दिख रहा है आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण प्राप्त, यानी यहाँ से आप फॉरगॉट कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करके इसकी जानकारी फिल कर दीजिए। अब यदि बाय चांस आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या गुम हो चुका है या कुछ भी हो चुका है, एक्सपायर, खूब कोशिश करने के बाद आपकी प्रोफाइल पंजीयन का एप्लीकेशन नंबर नहीं आ रहा, तो फिर उस स्थिति में आप दोबारा अपना प्रोफाइल पंजीयन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जितने भी आप फॉर्म फिल करें तो उसी आप नई वाली प्रोफाइल से ही आप फिल कीजिए। तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड आपको फॉरवर्ड करने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर जो आपने प्रोफाइल बनाया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो कैप्चा डाल के आगे आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक आपको पासवर्ड आ जाएगा, तो उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम आ चुके हैं इसके डैशबोर्ड पर फॉर्म फिल वाली। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ स्टूडेंट के लिए ये समस्या आ रही है कि उनका जाति प्रमाण पत्र गलत अपलोड हो चुका है, या 10th की मार्कशीट की जगह आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। तो जब आप प्रोफाइल के बाद लॉगिन करके आप फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखता है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो इस पर आपको क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है कि आपका 10th की मार्कशीट ही अपलोड हुई है, कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र भी चेक कर लेना है, इस पर आपको क्लिक करके यदि कोई मिस्टेक है तो आपको फॉर्म फिल सबमिट करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लेना है, प्रोफाइल पंजीयन को आपको सुधार लेना है। अब वो आपको कैसे सुधारना है तो उसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है, तो आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से भी इसको सुधार सकते हैं बिना किसी समस्या के, तो उसको भी आपको देख लेना है। और दूसरी बात, एक बात और कि कुछ स्टूडेंट यानी कुछ कैंडिडेट बाहर से भी फॉर्म फिल करा रहे हैं, जैसे किसी साइबर कैफे से या MP ऑनलाइन से, तो उस स्थिति में क्या होता है कि भीड़ भाड़ के कारण आपको जल्दबाजी में वहाँ पर गलत जानकारी फिल कर दी जाती। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको पहले फॉर्म सबमिट कराने से पहले आपको 1 से 2 बार चेक करना है, और उनसे बोलिए कि भैया पहले थोड़ा मुझे चेक करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कीजिए, क्योंकि वो तो फॉर्म अपना आपका फिल कर देंगे, आगे की प्रॉब्लम आपको ही होगी। और आप इस बात में भ्रम मत रहिए, थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको वहाँ पर वेरीफिकेशन के टाइम आपको बाहर कर दिया जाता है। आपने बहुत से स्टूडेंट को देखा भी होगा, फिर अदालत के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो ये सभी आप बचिए, आप सिंपल से मतलब है कि आप फॉर्म को सावधानीपूर्वक फिल कीजिए। आप कहीं से भी फॉर्म फिल कराएं, आप 1 से 2 बार पहले उसको अच्छी तरह से की जानकारी चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप वहाँ से फॉर्म को सबमिट कराइए। और एक बात और, आप वीडियो को देख लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, भले ही आप फॉर्म कहीं और से फिल कराएं तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या गलती वहाँ पर नहीं करनी है और क्या क्या आपको जानकारी चेक करनी है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, वरना समय ख़राब कीजिए। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी गई है। अब एक बात और कि आपको फॉर्म में बहुत से स्टूडेंट हैं फीस पेमेंट कर दी है उनका, एक बार आपने फीस पेमेंट कर दी, आपकी फ़ीस सबमिट यहाँ पर नहीं दिख रही है, आपने दोबारा से फीस सबमिट कर दी है, तो उस स्थिति में क्या करना होगा, एक MP ऑनलाइन का आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो फॉर्म फिल से संबंधित आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो इस पर आपको एक कॉन्टैक्ट कर लेना। अब इनका फ़ोन बिजी बताएगा या कुछ बताएगा, तो आपको थोड़ा ट्राई करते रहना है ऑफिस टाइम, यानी 9 से 10 बजे से शाम के 4-5 बजे तक, जो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया है, इस पर आपको एक कॉन्टैक्ट कर लेना है। और दूसरी बात, आपको फीस सबमिट करने से पहले, अब सबसे बड़ा फंडा यही है, यदि आप अपना स्वयं से फिल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फीस को पेमेंट करने से पहले आप उसी मोबाइल से आप फॉर्म को ओपन किए हुए हैं और उसी से अपने वॉलेट से फीस पेमेंट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका बैग के कारण या कुछ एरर के कारण आपका फीस फंस जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको किसी घर में या किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार का आपको थोड़े समय के लिए आपको मोबाइल यूज कर लेना है। कैसे करना है, जैसे समझिए आपके मोबाइल में गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम का वॉलेट है ऐप से, तो आपके मोबाइल से यहाँ से आप फीस पेमेंट कर दीजिए, और जो दूसरे का मोबाइल है उसमें आप अपना फॉर्म को लॉगिन कर लीजिए, और वहाँ से अपने फॉर्म को फीस पेमेंट के लिए इस मोबाइल पर आपके दूसरे मोबाइल पर रिक्वेस्ट भेजिए। तो क्या होगा कि इस फॉर्म में आपका ओपन रहेगा और इसमें आपके लिए मैसेज आएगा, तो यहाँ से आप पहले फीस सबमिट कर दीजिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पर और बैक नहीं करना, और
बैक नहीं करना है और नेट बंद वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 52 सेकंड बाद आपका दोबारा से रिडायरेक्ट फीस पर कर दिया जाता है। अब चलिए वो हम दिखा देते हैं। तो सिंपल सा हम प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं ताकि कोई समस्या आपको ना रहे। और एक बात और, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो पहले प्रिंट वाली ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बार आपको क्लिक कर देना है और आपको फिर उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया है, अब यहाँ से आपको अपने जो आप जिस मोबाइल में आपके पेटीएम फ़ोनपे वगैरह है तो आप उससे आपको यहाँ पर ई प्रोसीड वाली क्लिक आपको नहीं करनी है। दूसरे मोबाइल में आप लॉगिन कर लीजिए, उसमें आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आगे की आप प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। आप कोई भी फॉर्म फिल कीजिए भारत का, इससे आपकी फीस की पेमेंट आपको अटकने की समस्या नहीं रहेगी। और दूसरी बात, आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं और फीस पेमेंट करते हैं तो एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्लाइट मोड में कर लेते हैं और उसके बाद चालू कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर तो आपका रिस्टार्ट हो जाता है लेकिन जो हार्डवेयर है वो सही तरीके से काम नहीं करते। तो आप एक बार मोबाइल को बंद करके चालू कर लीजिए तो आपका पूरा मोबाइल रिफ्रेश हो जाता है और सही तरीके से आपका काम करने लगता है। तो फीस पेमेंट करने से पहले आपको एक बार मोबाइल को आपको बंद करके चालू कर लेना है, फिर आपको फीस पेमेंट को करना है। तो आपका सब कुछ स्पष्ट रहा है, आपका सफलतापूर्वक आपको फीस पेमेंट यहाँ पर हो जाएगी। तो जैसे आप फीस पेमेंट के लिए जाते हैं आप, तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डेबिट कार्ड यानी ATM से फीस पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, तो इन सब से आप बचिए। सिंपल से आपका UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इन सभी पे, तो आपको इस पर आपको क्लिक करना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है। एक तो आपको पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NDML फॉर, तो यहाँ से भी आप अपने UPI से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हो तो सर, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से अब ऑप्शन आपको देखते हैं तो आपको यहाँ पर अभी दो ऑप्शन दिखते हैं। यदि आप दूसरे मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपके लिए हम सबसे सिंपल तरीका बताते हैं। इस पर एक तो आपका यहाँ पर नेट बैंक दिख रहा है, तो आप किसी भी मोबाइल की जो आपकी बैंक है, SBI हुआ, HDFC, जो भी आपकी बैंक है, उससे फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है। एक आपको यहाँ पर QR कोड, तो जैसे अब इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जैसे आप दुकान और शॉप वगैरह पर आप QR कोड चिपका रहता है, इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका QR कोड ओपन हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, दूसरे वो जो मोबाइल है आपका जिसमें आपका वॉलेट है, तो उसको आप यहाँ से स्कैन कर दीजिए, यानी जो आपको QR कोड दिखेगा इसको आप स्कैन कर देंगे तो आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी। और इसी को आपको रिफ्रेश नहीं करना है, सबसे बड़ी बात, और आपको नेट बंद नहीं करना हो, और आपको इंटरनेट कनेक्शन जहाँ अच्छा है उस जगह पर आपको पहुँच जाना है। दूसरा ऑप्शन है आपका UPI से, तो इस UPI से भी आप कर सकते हैं। जो आपका फ़ोनपे या पेटीएम है उसकी आपको UPI ID को कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। यदि आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी UPI ID फिल कर देनी है, और जैसे इस पर आप पे बाय एनी ऐप ये आप कर सकते हैं, या फिर आप अपनी UPI ID यहाँ पर फिल कीजिए, तो उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको कर लेना है। दूसरी बात, आप यदि QR कोड से करना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। तो जैसे आप QR कोड पर क्लिक करते हैं तो अब आपको तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। तो एक भीम UPI का ऑप्शन दिख रहा है जिस पर आपको क्लिक करना, और मेक पेमेंट फॉर 310 रुपये, जितनी भी आपको फीस दिख रही है, जो अदर स्टूडेंट की कैंडिडेट है उनके लिए अलग फीस आपको दिख रही होगी। तो जैसे आप QR कोड पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपका QR कोड आपको दिखने लगा है। या पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कारण हमने हाइड कर दिया, ब्लर कर दिया है, तो आपको इस प्रकार से QR कोड दिखेगा। यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम दिया गया, तो 5 मिनट के अंदर आपको अपने फ़ोनपे के ATM के आपको स्कैन करके यहाँ से आपको फीस पेमेंट कर देनी है। और फीस पेमेंट करने का कम से कम आपको 52 सेकंड तक यहाँ पर आपको वेट करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका फीस फंस जाएगा। और पिछले साल भी आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट के लिए, आपकी जो आपके जेल पर ही पुलिस वगैरह का फॉर्म था, उसमें भी बहुत से स्टूडेंट की फीस पर पेमेंट आपकी अटक रही थी और बाद में रिफंड भी नहीं आई थी। तो अब आपको क्या करना है, या तो आपको 48 से 72 घंटे का आपको वेट कर लेना है यदि आपकी फीस पेमेंट कट चुकी है, और यदि आपने दोबारा पेमेंट कर दिया तो आपको 48 से 72 घंटे आपको वेट कर लेना है। और जो इनका हेल्पलाइन नंबर है उस पर आपको कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और आपको फीस पेमेंट में ये आपको सावधानी रखनी है। अब दूसरी बात, आपकी कुछ और जानकारी गलत हो चुकी है तो वो भी देख लीजिए, उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, नोटिफिकेशन आप यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे आपकी आपने जाति प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, फोटो सिग्नेचर, हैंड डिस्क्रिप्शन डिक्लेरेशन, या इसके अलावा कुछ और मिस्टेक कर दी आपने, यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, फॉर्म को आपने सबमिट कर दिया और फीस भी सबमिट कर दी है, और आप इसमें एडिट करना चाहते हैं, तो कुछ जानकारी तो आपकी फॉर्म से ली गई है, और जो आपकी मेन जानकारी है वो आपकी व्यापम की जो प्रोफाइल पंजीयन है ESP की, वहाँ से ली गई। तो यहाँ पर अभी ध्यान से समझिए, परंतु यदि किसी आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति यानी SC ST EWC दिव्यांगजन श्रेणी में अनारक्षित का संशोधन किया जाता है तो उसे अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क की राशि में पूर्व में जमा की गई राशि के समायोजन का शेष राशि भुगतान करनी होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने ST से फॉर्म फिल कर दिया, और यदि आप अनरिजर्व से फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो ST की जो आपको फीस आपको है और अनरिजर्व की फीस अलग है, तो जो ST और अनरिजर्व की फीस में आपको जो गैप है,
जब आप फॉर्म को एडिट करते हैं यानी प्रोफाइल को एडिट करते हैं तो उस टाइम आपको अलग से फीस पेमेंट करनी होगी। अब इसका मतलब ये है कि जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी तो आपकी फॉर्म से ली नहीं गई है, जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन है वहाँ से आपको डायरेक्ट ली गई है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन इन्होंने बोला है, तो दीजिए जैसे आपने फॉर्म को सबमिट भी कर दिया है तो अब आप क्या कीजिए, आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को पहले सुधार लीजिए, वहाँ से अपनी पूरी जानकारी, टेम्पलेट वगैरह, कैटेगरी वगैरह, मेरिटल स्टेटस वगैरह सब कुछ आप सुधार लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्म में चेक कीजिए, आप पहले यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को सुधार लीजिए, उसके बाद अपने फॉर्म को एडिट करके चेक कीजिए। चेक कर लेना है पहले आपको यहाँ से अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आपको यहाँ से फॉर्म को अपडेट करके देख लेना है। अपडेट की फीस आपको 60 रुपये आपको अलग से पेमेंट करनी होगी। अब प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, तो सभी का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप आसानी उसको देखकर अपने फॉर्म को सुधार लीजिए। और आपको गलती नहीं करना, ध्यान दीजिए, यदि आपसे नहीं बन रहा है फॉर्म फिल करते तो आपको किसी साइबर कैफे पर चले जाना, लेकिन आपको फॉर्म में गलती नहीं करनी क्योंकि आपका ये फ्यूचर का सवाल है। तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। साथ ही इसके अलावा कोई और भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट करके बताइए। अब ये जितना भी वीडियो आपको बताया स्टूडेंट के कमेंट देखकर ही बनाया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी के आधार पर आपको अलग से इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा भी आपको कोई समस्या आ रही है और आप पहले क्या कीजिए, एक एक नोटिफिकेशन को एक एक जानकारी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, बाद में आपको यही प्रॉब्लम आती है, तो आपको सावधानी से आपको पहले जानकारी को पढ़ लेना है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।